सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिसेंटली रिलीज और हिंदी डब हुई 10 सबसे धमाकेदार मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको कमाल की एक्शन थ्रिलर, कमाल की एडवेंचर मूवीज देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात इस लिस्ट की सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में और एक से बढ़कर एक होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 10 की मूवी 57 सेकंड्स जो गई थी साल 2023 में, एक साइफाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है फ्रैंकलिन नाम की एक टेक ब्लोकर की, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। और उसी बीच इसके हाथों एक ऐसी रिंग लगती है जिससे पास्ट में 57 सेकंड टाइम ट्रेवल कर सकता है। और रिंग मिलने के बाद ये क्या कुछ करता है और ये उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बर्बाद क्यों करना चाहता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है साइलेंट नाइट। ये मूवी भी आई थी साल 2023 में, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि दो गैंग वॉर के बीच क्रॉस शूट आउट में अपने बेटे को खो देता है। पुलिस से हेल्प मांगता है लेकिन कोई भी उन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, जिसके बाद ये खुद ही अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। और आगे आपको इतनी ज्यादा गोलीबारी देखने को मिलेगी जिसे देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। और इस मूवी को अब आप हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मूवी को रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है बैडलैंड हंटर्स। ये मूवी आई है 2024 में, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की, जहाँ पे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। खाने पीने की चीजों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की हालत इतनी ज्यादा बुरी है, चूहे तलक को लोग खा रहे हैं। और ऐसे में हमारी मूवी के हीरो के भतीजे की लवर को कुछ ऐसे लोग उठा के ले जाते हैं जो कि सुपर ह्यूमन है, जिनको आप किसी भी तरह मारने की कोशिश करो लेकिन वो मरेंगे नहीं। तो ऐसे में हमारी मूवी के हीरोज क्या कुछ करते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर आपको भर भर के ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। मूवी के अंदर आपको इतना ज्यादा खून देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है कोड 8 पार्ट 2। ये मूवी भी आई है 2024 में, एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आया था साल 2019 में। और इस मूवी की कहानी ठीक पार्ट 1 को कंटिन्यू करती है। और इस बार इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी के हीरोज की, जिनके पास अलग अलग तरीके की सुपर पावर्स है। और इन सबको एक साथ मिलकर एक लड़की को बचाना है, क्योंकि लड़की के पीछे कुछ करोड़ पुलिस वाले पड़े हैं। और किस तरह हमारी मूवी के हीरोज उस लड़की को बचाते हैं और पुलिस वाले लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं, लड़की से क्या चाहते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। पार्ट 1 हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पर ही अवेलेबल है और पार्ट 2 का हिंदी लैंग्वेज में आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है नॉटी गर्ल। यह मूवी आई थी साल 2023 में, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। और ये एक 18+ मूवी है, जिसमें आपको भर भर के खुल्लम खुल्ले एडल्ट न्यूड सीन्स देखने को मिलेगा। टर्की फैंस को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एला नाम की एक लड़की की, जिसकी मुलाकात एक दिन एक बहुत ही रिच लड़के से होती है, जो कि जंगल को कटा के एक होटल बनाना चाहता है। और एला उसको रोकना चाहती है, जंगल को प्रोटेक्ट करती है। और आगे कहानी में मजे ही मजे। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में बुक माई शो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है सौ एक्स। This is not retribution. ये मूवी आई थी साल 2023 में, एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और ये मूवी सौ मूवी सीरीज का 10th पार्ट है। और इस बार भी इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है जोन क्लेमर नाम के उसी बूढ़े आदमी की, जिसने प्रीवियस मूवीज के अंदर बहुत सारे लोगों को ट्रैप्ड के अंदर फंसा फंसा के उनको बहुत ही खौफनाक तरीके से मौत दी थी। और इस बार भी एक पूरी मेडिकल टीम को ट्रैप्ड में फंसा के उनको एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला है। बस मूवी के अंदर आपको ये देखना है आखिर मेडिकल टीम ने इसका क्या बिगाड़ा और किस तरह ये उन लोगों को मारता है। और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है एलियन नॉइड। ये मूवी आई थी साल 2022 में, एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है दो टाइमलाइंस की, पास्ट एंड फ्यूचर की, जहाँ पे कुछ एलियंस पृथ्वी पे हमला करना चाहते हैं और कुछ एलियंस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। आखिर क्यों एलियंस पृथ्वी पर हमला करना चाहते हैं और इन दोनों टाइमलाइंस का आपस में क्या कनेक्शन है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि आपको एक सेकंड के लिए भी बोर फील होने नहीं देगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ब्रेव सिटीजन। I like it.
ये मूवी आई थी साल 2023 में। एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जो कि स्कूल में कमजोर गरीब बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से बुली टॉर्चर करता है। इस हद तक बुली टॉर्चर करता है वो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, यहाँ तक कि ये स्कूल में टीचर तक को नहीं छोड़ता कोई भी टीचर, यहाँ तक के पुलिस वाले भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, और इसी वजह से इसका बुली वाला क्राइम लेवल बढ़ने लगता है। और उसी बीच स्कूल में एंट्री होती है हमारी मूवी की हीरोइन की, जो कि एक टीचर है, और ये किस तरह इस स्टूडेंट को हैंडल करती है वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 2 की मूवी है माय नेम इज लोक किवान। ये मूवी आई है 2024 में। एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है लोक किवान नाम के एक नॉर्थ कोरियन लड़के की, जिसकी माँ का सपना होता है ये एक ऐसी जगह जाए जहाँ जाके अपनी एक पहचान बना सके, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया से भागकर बेल्जियम में आता है। और बेल्जियम में ये किस तरह सर्वाइव करता है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और ये एक बहुत ही कमाल की इमोशन ड्रामा मूवी है, जो कि आपको रुलाकर रख देगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट और मास्टरपीस मूवी की ओर, और हमारी लास्ट और मास्टरपीस मूवी है नो कंट्री for old men। ये मूवी आई थी साल 2007 में। एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, और ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है मोस नाम के एक बहुत ही सीधे साधे आदमी की, जो कि एक दिन ऐसे अपनी कार लेके घूम रहा होता है, और घूमते घूमते एक जगह पे इसको बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी के पास पड़े होते हैं $2 million, जिनको लेके वहां से निकल जाता है। पर ये पैसा होता है एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर का, जो कि अपना पैसा किसी भी हाल में पाना चाहता है, जिसके लिए ये मोस के पीछे एक साइको सीरियल किलर को लगा देता है। और आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही ज्यादा कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है। डेफिनेटली ये मूवी आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। मूवी को आप बिना झिझक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।